हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। दोस्तों, आज से मैं एक न्यू सीरीज़ एस्ट्रोलॉजी शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें हम ज्योतिष से जुड़े हुए बहुत ही रोचक विषयों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस सीरीज़ में मेरे साथ जुड़े रहिए। हेलो एरीज, 21 मार्च से अगर आपका बर्थ 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के बीच में हुआ है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जॉडिक साइन हुआ आपका मेष यानी कि एरीज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कोशिश की थी ये बताने की कि आप अपनी राशिफल को देख सके, तो आई एम श्योर कि आपने नोट कर लिया होगा कि आपकी राशि कैसी है। तो सीरीज में सबसे पहली राशि आती है एरीज, मतलब कि मेष। तो देखते हैं मेष राशि वाले कैसे होते हैं, तो इनका व्यक्तित्व कैसा होता है। हाँ, जो मेष राशि वाले, आप निडर होते हैं, साहसी होते हैं, अभिमानी होते हैं, हिम्मत भी बहुत होती है आपके अंदर, आपका मन बड़ा उदार होता है, धुन के पक्के होते हैं, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती है। इच्छा शक्ति मतलब विल पावर बहुत अच्छा होता है, मनोबल बहुत अच्छा होता है। कोई भी चुनौती होती है ना, तो उससे डट कर मुकाबला करते हैं और मुकाबला करके आप उस चुनौती को पूरा कर लेते हैं। धर्म में बहुत अच्छी आस्था होती है आपकी, आपके अंदर क्रिएटिविटी मतलब कि कलात्मक अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होती है। आप क्रिएटिव होते हो, नई नई तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करते हो। तो ये सारी आपके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, आगे और भी ज़्यादा हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो मेष राशि वालों की जब सबसे अच्छी चीज़ जो होती है, इन्हें खूबसूरती बड़ी अच्छी लगती है भाई। ये सौंदर्य की ओर इनका झुकाव होता है, सुंदरता जहाँ कहीं पे होती है, चाहे वो पर्सन्स में हो या फिर किसी वस्तु में हो, आपको अट्रैक्ट करती है। आप चतुर होते हो, कार्य में दक्ष होते हो, आपके अंदर व्यवसायिक कुशलता भी होती है, खेल कूद के शौकीन होते हो, लेकिन खेलने के नहीं बल्कि खेल को देखने के ज़्यादा शौकीन होते हो। आपका मन बहुत चंचल होता है, फुर्तीले भी होते हो आप, आपका मन हमेशा चलाए मन रहता है। मेष राशि वालों का मन कभी फ्री नहीं होता, इनके मन में कुछ ना कुछ उधेड़ बुन चलती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ आइडियाज इनके अंदर छलांगे मारते रहते हैं। तो ये इनका मन हमेशा चलता रहता है, घूमना फिरना इनको बहुत पसंद आता है, अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करना, नई नई जगह घूमना, खाना पीना, मौज करना बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा बहुत इमोशन होते हैं मेष राशि वाले, इनके अंदर भावनाओं का एकदम गुबार सा आता है, इसकी वजह से कभी कभी रो भी देते हैं और प्रेम ही इनको इसीलिए जल्दी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको प्रेम जल्दी हुआ तो ये प्रेम इनका अस्थिर हुआ, अनस्टेबल हुआ, नहीं जी, इनका प्रेम इनकी साइड से तो बहुत स्टेबल होता है। कभी कभी इनका पार्टनर उतना अच्छा नहीं होता है, इसकी वजह से दो तीन बार इन्हें प्रेम को जैसे ब्रेकअप करने के झटके लगते हैं जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ गुड पॉइंट भी हैं, कुछ बैड पॉइंट भी हैं, चलिए ध्यान रखते हैं। तो जी, इनके एक काम तो अपना हाथ में ले लिया अगर, तो ये पूरा करेंगे ही करेंगे, उसको पीछे नहीं हट सकते। कोई इनको चैलेंज कर दे अगर, तो ये भाई पीछे नहीं हटते। अपने आप को उच्च पद तक पहुँचाने की बड़ी प्रबल इच्छा होती है कि मैं बहुत आगे बढ़ूं, ऊपर जाऊं। अपनी योजनाओं में किसी का भी हस्तक्षेप इनको अच्छा नहीं लगता। अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इन्हें कुछ करना है, तो ये इसीलिए किसी को नहीं बताते हैं कि कोई ना कोई इसमें या तो अड़ंगे लगा देगा या फिर कोई इफ एंड बट कर देगा। तो ये बताते ही नहीं है कि इनके दिमाग में क्या योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं किसी का इंटरफेयर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या है भाई इनके गुड पॉइंट बैड पॉइंट, तो बहुत लंबे चौड़े हैं। इन्हें गुस्सा बहुत तेज़ी से आता है, अब ये तो बुरा ही है ना भाई, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मतलब इतनी जल्दी कि आप गैस पे रखे हुए दूध में जैसा उबाल आता है, वैसे इनका गुस्सा होता है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, बहुत तेज़ी से नीचे भी हो जाता है, तो नक मिजाज होते हैं बहुत जल्दी जल्दी, नाक पे गुस्सा होने की वजह से ना बहुत जल्दी जल्दी इनके मिजाज बदलते रहते हैं, मूड स्विंग्स इनके अंदर होते रहते हैं। अधीरता मतलब कि उतावलापन बहुत तेज होता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी काम हाथ में लिया तो इनको लगता है झटपट करके खत्म करो। भावुकता पर नियंत्रण नहीं होता है, आप चाहे पॉलिटिकल इश्यूज हो, घरेलू इश्यूज हो, इनके ऑफिस के कोई इशू हो, अगर इनके इमोशनल माइंड में ये ऐसी चीजें हो गई और इनको लगा कि ये चीज बुरी है, तो ये किसी के सामने भी इस बात को बुरा बोल सकते हैं। इनको नहीं लगेगा कि ये जगह नहीं है बुरा बोलने वाली, लेकिन फिर भी ये बोल देंगे। ईर्ष्या
भी होती है, क्योंकि अगर ये किसी काम को करना चाहते हैं और अगला बंदा इसको काम को अच्छे से कर लेता है तो ये ऊपर मन से तो तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर अंदर अचरन होती है। छोटी छोटी बातों पर बुरा लग जाने की वजह से अपने मित्र को भी ये शत्रु समझने लगते हैं। जो भी इनके बारे में बुरा बोलता है ना, वो इनका शत्रु हो जाता है, घर की लड़ाई का कारण बन जाते हैं, क्योंकि इनको गुस्सा आता है। गुस्सा भी तेज आता है, और तेज आता है और जल्दी आता है, तो इसकी वजह से ना ये दिल के अच्छे होने के बाद भी इनका सोने का दिल होता है, लेकिन फिर भी ये घर में जो लड़ाई होती है उसका रीजन बन जाते हैं और बुराइयां लेते हैं। इसके बाद में इन सारी चीजों की वजह से ना इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो थोड़ा सा डामाडोल रहता है, अस्थिर रहता है, कभी भी ये पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो पाते हैं, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। दिल के अच्छे होने के बाद भी चूंकि इनका मिजाज थोड़ा सा तुनका होता है, तुनक मिजाज होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, छने रुस्ता छने तुष्टा वाला हिसाब किताब होता है, तो लोग इन्हें जल्दी से बुरा मानने लगते हैं, बुरा समझने लगते हैं, जबकि ये अंदर से बुरे नहीं होते। इनका दिल बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही बच्चे जैसा दिल इनका होता है। चलिए, ये तो ही मेष राशि वालों की गुड पॉइंट बैड पॉइंट्स। इनमें से एक पॉइंट है जो मैंने इसमें नोट नहीं किया, वो है इनका पेट, मतलब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कमजोर होता है, इनको बहुत जल्दी खाना हजम नहीं होता है, और चूंकि इनको खाने का शौक बहुत है, ये तला भुना चाट मसाला चटपटा कोल्ड ड्रिंक्स और पिज्जा बर्गर ये सब चीजें इन्हें बहुत पसंद आती हैं, और थोड़े से चटोरे भी होते हैं, लेकिन इनका पेट इनकी जीभ का इनके मुंह का साथ नहीं देता है, इसकी वजह से इनका पेट खराब हो सकता है, एसिड बहुत बनता है इनके शरीर में। इस वजह से ऐसा खाना खाना चाहिए कि ये अपने पेट को खराब ना करें। अपने लिवर का ध्यान रखते हुए अपने फूड आइटम्स को इनको चुनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि लकी एंड अनलकी डेज और चीजें क्या क्या होती हैं इनकी लाइफ में। तो देखो जी, 6, 16, 19, 30, 44 ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा लकी नहीं होते हैं। जो भी नंबर जिसका अगर आप प्लस करते हो 9 टोटल आता है तो वो आपके लिए लकी होता है, चाहे वो मंथ हो साल हो कुछ भी हो सकता है। तो 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 ये सारे इनको टोटल करेंगे आप तो 9 आता है, तो 9 आपका लकी नंबर है। जुलाई अगस्त नवंबर दिसंबर ये आपके लिए लकी महीने होते हैं। इन महीनों में जो बच्चे पैदा होते हैं वो आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं। फ्राइडे आपके लिए बहुत लकी नहीं होता है, इस वजह से बचिए थोड़ा सा। फ्राइडे को कोई भी नया काम शुरू मत कीजिए, क्योंकि मंगल आपका राशि का स्वामी होता है, मंगल का कलर लाल होता है, इसलिए मंगल से जुड़ी हुई चीजें लाल रंग ट्यूसडे ये सब आपके लिए लकी है। तो ये हो गए आपके लकी अनलकी डेज एंड लकी अनलकी चीजें। आगे अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो मेष राशि वाले आप बहुत अच्छे होते हैं, आपका दिल बड़ा अच्छा होता है, सोने का दिल होता है आपका, लेकिन आपके अंदर कुछ खामियां हैं। वो ये हैं, पहली बात कि आपको अपने टेम्पर को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज ना करें, यानी कि अपने मूड को थोड़ा सा स्टेबल रखने की कोशिश करें। अगर आपको कभी बहुत तेजी से गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त कोई डिसीजन ना लें, थोड़ी देर रुक जाएं, क्योंकि आपका गुस्सा बहुत ही तेजी से, जितने तेजी से बढ़ता है उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाता है, तो उस नीचे आने के बाद ही कोई डिसीजन आप लें। नेक्स्ट पॉइंट, आपका पेट थोड़ा कमजोर है आपके शरीर में, तो पेट का ध्यान रखें, लिवर का ध्यान रखें, बहुत तला भुना मिर्च मसाला गरम चीज जिसकी तासीर गरम हो ऐसी चीजें आप अवॉइड करें। अगर खाना ही है तो कोशिश करें कि आप एक्सरसाइज रेगुलर करें, पानी बहुत ज्यादा पिए ताकि शरीर में एसिड ना बने। आगे अगली बात, कोई भी काम को अगर आप हाथ में ले रहे हैं तो उसको काम करने के लिए आप एक टाइम टेबल बनाइए, उसका पूरा ओवरऑल एक तरह से बनाइए, एक सिस्टम बनाइए कि आपको उस काम को कैसे करना है। ऐसा नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी है वो आपको बहुत तेजी से काम का स्टार्ट देती है, लेकिन धीरे धीरे वो एनर्जी डाउन हो जाती है, तो उस एनर्जी को डाउन मत होने दीजिए। काम अगर कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से फिनिश करना है इस पर भी आपको ध्यान देना है। और अगली बात जो लास्ट में आपको बोलना चाहूंगी कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं, आपका मन बहुत अच्छा है, आपके अंदर ढेरों सारे आइडियाज आते हैं जो आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं, बस
थोड़े से अपने काम करने के तरीके में चेंजेस लेकर आइए, अपना मॉर्निंग रूटीन फिक्स कीजिए जिसमें आप एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी डालिए ताकि आपका शरीर शांत रहे, मन शांत रहे। मेडिटेशन थोड़ा सा कीजिए और अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखिए ताकि आप जो आपके अंदर इतने सारे आइडियाज हैं उन्हें एग्जीक्यूट भी कर पाए और आगे उनका फायदा लेते हुए अपने सपने पूरे कर पाए। तो एरीज राशि वाले, मैंने कोशिश की आपके बारे में बताने की, आपके गुड पॉइंट और गुड थोड़े से बैड पॉइंट्स के बारे में बताने की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। मेरा मकसद आपको भविष्य बताना नहीं है, बस मैं आपके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आगे मिलती हूँ बहुत जल्दी टॉरस राशि के साथ में, क्योंकि सीरीज को मैं पूरा कंटिन्यू बढ़ाने वाली हूँ। तो वृषभ राशि वाले, इंतजार कीजिए कि आपके बारे में आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।